अखंड भारत निर्माता। आज की कड़ी में हम याद कर रहे हैं भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को। उनका निधन 15 दिसंबर 1950 को हुआ था। तेरी हो बात जन जन का साथ, तू लौह पुरुष कहलाता। संयुक्त भारत सरदार पटेल का मुख्य उद्देश्य था। इसके लिए उन्होंने राष्ट्रीय भाषा के विचार को भी प्रोत्साहन दिया। 1949 में मद्रास के आइलैंड ग्राउंड में ऐतिहासिक भाषण में सरदार पटेल ने राष्ट्रीय भाषा और भारत के विचार के लिए प्रतिबद्धता स्पष्ट की थी। You want me that I should talk to you in English? I shall obey your command. But take it from me that it will not be long before you yourself will have to speak in our own national language. हम गांधीवादी स्वतंत्रता सेनानी पोट्टी श्री रामुलु को भी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। 1930 में नमक सत्याग्रह में भाग लेने पर श्री रामुलु को जेल जाना पड़ा। बाद में उन्होंने व्यक्तिगत सत्याग्रह और भारत छोड़ो आंदोलन में भी भाग लिया। उन्हें 3 बार जेल भेजा गया। श्री रामुलु महात्मा गांधी के पक्के अनुयायी थे। वे आंध्र प्रदेश के कोमारावोलु में गांधी आश्रम में शामिल हो गए। श्री रामुलु ने नेल्लोर के मंदिरों में प्रवेश के लिए तथा कथित निम्न जातियों के लोगों के अधिकारों के लिए 1946 से 1948 के बीच 3 बार उपवास रखा। श्री रामुलु के समर्पण और उपवास क्षमता के बारे में महात्मा गांधी ने कहा था कि यदि श्री रामुलु जैसे उनके 11 और अनुयायी हों तो वे 1 वर्ष में अंग्रेजों से स्वतंत्रता प्राप्त कर लेंगे। 1952 में श्री रामुलु ने मद्रास के तेलुगु भाषी क्षेत्र को अलग राज्य बनाने के लिए आवाज उठाई। पृथक आंध्र राज्य की मांग करते हुए वे अन्न त्याग कर अनशन पर बैठ गए और 58 दिनों के बाद उनका देहावसान हो गया। आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले का नाम उन्हीं की स्मृति में रखा गया है। महान देशभक्त पोट्टी श्री रामुलु को शत शत नमन। एक बार तो रामा बोलिया डाक, जग तो जाने श्रवणो जुड़ा। हम आज राष्ट्रवादी सतीश चंद्र समंता को भी स्मरण कर रहे हैं, जिनका जन्म 15 दिसंबर 1900 को हुआ था। उन्हें भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान पश्चिम बंगाल के तामलुक में समानांतर ताम्रलिप्त जातीय सरकार के गठन का श्रेय भी दिया जाता है। स्वतंत्रता संघर्ष में शामिल होने के लिए सतीश चंद्र ने बंगाल इंजीनियरिंग कॉलेज में 2वें वर्ष से ही पढ़ाई छोड़ दी। वे इंडियन नेशनल कांग्रेस की इकाई में शामिल हो गए और बाद में तामलुक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बने। ताम्रलिप्त जातीय सरकार की स्थापना 17 दिसंबर 1942 को हुई थी और सतीश चंद्र जून 1943 में गिरफ्तार होने तक उस सरकार का कामकाज संभालते रहे। समानांतर सरकार सितंबर 1944 तक चली और उसने स्कूलों को अनुदान दिए और सशस्त्र विद्युत वाहिनी का गठन किया। स्वतंत्रता के उपरांत सतीश चंद्र समंता 3 दशक से अधिक समय तक संसद सदस्य रहे। उन्होंने पूरा जीवन जन सेवा के लिए समर्पित कर दिया था। महान भारतीय को हमारा शत शत नमन। आज हम स्वाधीनता सेनानी और सामाजिक कार्यकर्ता रघुनाथ केशव खाडिलकर को भी स्मरण कर रहे हैं, जिनका जन्म 15 दिसंबर 1905 को महाराष्ट्र के रत्नागिरी में हुआ था। खाडिलकर 1934 में स्थापित कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक सदस्यों में शामिल थे। वे भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान 1930 और 1940 के बीच कई बार जेल गए। स्वतंत्रता के उपरांत खाडिलकर ने 1948 में ऑल इंडिया पीजेंट्स एंड वर्कर्स पार्टी की स्थापना में सहायता की। 1955 में उन्होंने ऑल इंडिया मजदूर किसान पार्टी के गठन में अग्रणी भूमिका निभाई। केंद्रीय श्रम मंत्री के अपने कार्यकाल के दौरान खाडिलकर को कामगारों को देय न्यूनतम बोनस को 4% से बढ़ाकर 8.33% यानी वार्षिक वेतन का 12वां भाग तय करने के लिए खाडिलकर फार्मूला देने का श्रेय भी हासिल है।